गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति की धुन और ठहाकों के बीच कोरोना योद्धाओं का सम्मान, वेदांता ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट के सहयोग से लिस्ट लाफ का आयोजन। लोकतंत्र दिवस की संध्या पर नई मुंबई के होटल रमाडा में कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वेदांता ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट के सहयोग से वर्ल्ड प्ले व लेट्स लाफ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ ख्यातिनाम हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा एवं यूनियन बैंक के रीजनल हेड रूपलाल मीना के हाथों दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह की संगीतमय शुरुआत बांसुरी वादन से हुई और समापन लाफ्टर नाइट की हास्य कविता पाठ से हुआ। यह मशहूर हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए विश्वास जताया कि कोरोना योद्धाओं को दिए गए ऐसे पुरस्कारों से लोगों में समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा जगेगी। उन्होंने आयोजक कविद्वय रोहित शर्मा और दिनेश बावरा के प्रयासों की भी सराहना की। ये तो आपने अपना सम्मान किया, उनका सम्मान कहाँ हुआ है? उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आपके सम्मान को, ये तो आपका संस्था का सम्मान है कि उन्होंने इसको सम्मान को स्वीकार किया। हमको क्या सम्मानित कर सकते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी सेवाएं की हैं? हम तो खुद सम्मानित हुए उनको सम्मान दे। एक बहुत सराहनीय काम किया इन्होंने, और ऐसे मेरे ख्याल से देश में हजारों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ये काम किया है। उसमें मेरा मानना है कि अगर मैं हजार कविताएं आंसुओं पर लिखूं, बड़ी बात नहीं है अगर एक के भी आंसू पहुंच दूं। जब आंसू पहुंचने का काम जिन लोगों ने किया है वो तो वंदनीय लोग हैं, क्योंकि हम लोग जो आंसू पहुंचता है मंदिर में तो हम अपनी बनाई मूर्ति की पूजा करते हैं, और यहाँ पर तो हम ईश्वर की बनाई मूर्तियों की सेवा कर रहे थे। तो ये बड़ा काम है जो इन्होंने किया है। कार्यक्रम में जिन 7 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया उनमें लॉकडाउन में ऑटो चालकों के लिए मसीहा बने थाने ट्रैफिक पुलिस के जवान जितेंद्र चौहान, बिना घर गए 6 माह तक सेवा देने वाले डॉक्टर रजनीकांत मिश्र, पलायन कर रहे मजदूरों को फ्री टिकट दिलाने वाले लखनऊ के समाजसेवी अजय यादव, स्वयंसेवी संस्थाओं को मुफ्त सब्जियां उपलब्ध कराने वाले दीपेश चौहान, पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को अल्पाहार देने वाले सरकारी कर्मचारी अश्विन मकवाना, और महिलाओं को फ्री सेवाएं और मदद देने वाली श्रीमती रेखा जैन, एवं लॉकडाउन में बैंकिंग और वित्तीय मदद करने वाले यूनियन बैंक के रीजनल हेड रूपलाल मीना का नाम शामिल है। इस अवसर पर सत्कार मूर्तियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। लोगों को मेरे प्रति प्यार, और उनको लगा कि कोई है हमारे बारे में सोचने वाला। मुझे पहले से बहुत शौक था दूसरों की मदद करना, ये मेरा धर्म मानती हूँ मैं, और मुझे उसमें बहुत खुशी होती है। मैं गोर गरीबों की सेवा करती थी, उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है, और ये काम मैं खुशी से करती थी। मेरा घर का काम भी करके मैं उनकी सेवा करती थी, और मुझे उसमें बहुत खुशी मिली। और हम सभी ने ये निर्णय किया, उस समय आवागमन के साधन भी बहुत सीमित थे, और तमाम हमारे स्टाफ ने यह निश्चय किया कि हम लोग जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आती तब तक घर नहीं जाएंगे, और उस बात को मद्देनज़र रखते हुए करीब एक हम 50 लोग ऐसे थे जो कि तकरीबन 6 महीनों तक घर नहीं गए, और जब दिवाली आई तब हम अपने घर गए। एक ही चीज़ दिमाग में थी कि जैसे वो सीमा पर खड़ा हुआ वीर सैनिक होता है, जब युद्ध की स्थिति होती है तो वो कभी घबरा कर मैदान छोड़कर नहीं भागता। बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, मतलब देखा जाए तो जैसा जो अपने आर्मी या नेवी जो काम करते अपने को मालूम है कि सामने दुश्मन है, तो सामने दुश्मन है, सामने टारगेट है अपना, तो अपन उसके ऊपर हल्ला कर सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस अपने को मालूम नहीं किसके ऊपर अटैक करेगा और कौन कौन इसका उसमें मर जाएगा, कौन इसमें बढ़ जाएगा। मैं तो जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी हालत में डरना नहीं चाहिए, और दुखी लोगों को अपन साथ देना चाहिए। वही सम्मान समारोह में लाफ्टर नाइट भी चली, जिसमें कवि रोहित शर्मा और दिनेश बावरा ने अपनी कविताओं से जमकर गुदगुदाया। कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कविद्वय रोहित शर्मा एवं दिनेश बावरा ने कहा कि साहित्यिक गतिविधियों के अलावा हमने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया। उन्होंने सहयोग के लिए वेदांता ट्रांसफार्मिंग एलिमेंट का आभार जताते हुए कहा कि कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर हम खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं।
ने महसूस किया अपने जीवन में जब मैं खुद कैद रहा कि लोग कुछ लोग बाहर निकल करके जान पर खेल करके सरकारी अधिकारी हैं, नौकरी लगी हुई है, लेकिन नौकरी के इतर काम कर रहे हैं वो लोग, नौकरी के इतर, जैसे चौहान साहब हैं, नौकरी के इतर जा करके आग बढ़ा करके सबसे कहीं न कहीं इकट्ठा करके पैसे, हम लोगों को से कहना कि दिनेश भाई जरा सा एक दिन की चाय आपकी तरफ से होगी, इस तरीके से ये सद्भावना, हम तो मंच पर वेदना सुना देते हैं लेकिन हमें प्रैक्टिकल करने का अवसर जब आता है तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन जो हिम्मत जुटाता है उसके प्रति सम्मान बढ़ जाता है, उसी अंदर के सम्मान को हमने मूर्त स्वरूप देने के लिए ये आयोजन रखा। जैसा मैंने मंच पर भी कहा था कि ये केवल संस्थान की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, हर एक व्यक्ति की एक एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसे उसे अदा करना चाहिए, और हमने ये पहला हमारा प्रयास था और बहुत सफल रहा। बता दें कि कार्यक्रम में अपेक्स के डायरेक्टर संजय मिश्रा, यूनियन बैंक के सहायक महाप्रबंधक राजभाषा नवल दीक्षित एवं चीफ मैनेजर एस सी साहनी, कवि डॉक्टर आनंद श्री मालिक खास तौर पर उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।